Hi friends, welcome to my channel Neezy Cooks. बारिश का मौसम शुरू हो गया है और साथ में मेरे तो पकोड़े खाने की क्रेविंग्स भी. And first thing that comes to my mind is लोनावाला के वो कॉर्न भजी. I'm sure आप सबको भी वो बहुत ही पसंद होंगे. तो आज सोचा कि चलो बारिश का मौसम है, एक बाजू चाय रखते हैं और एक बाजू गरम गरम बनाते हैं कॉर्न पकौड़ा एकदम लोनावाला स्टाइल. सो चलो लेट्स बिगिन. Take a fresh corn cob and remove the husk properly and cut it into two. Now take out the corn kernels gently using a knife. इससे क्या होगा कि मकाई के दाने थोड़े से कट हो जाएंगे और इस कारण वो फ्राई करने के टाइम फूटेंगे नहीं. अगर आप रेडीमेड कॉर्न के दाने यूज करना चाहो तो उसे हल्का हल्का नाइफ से कट कर ले ताकि वो फ्राइंग के टाइम फूट कर उड़े नहीं. अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, पिंच ऑफ हींग, बारीक कटा अदरक और मिर्ची. आप अदरक मिर्ची का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि कॉर्न का पानी रिलीज हो जाए. 2 मिनट जितना रेस्ट दे इसे एंड देन एड चॉप्ड कोरिएंडर एंड स्टार्ट एडिंग बेसन इन बैचेस. अभी मैं 2 tablespoon जितना डाल रही हूँ और साथ में 1 tablespoon जितना चावल का आटा टू एड मोर क्रिस्पीनेस टू माय भजियास. अब इसे अच्छे से मसले और हल्का सा पानी छिड़केंगे और फिर हम थोड़ा बेसन और चावल का आटा डालेंगे. जितनी जरूरत लगे वो हिसाब से हम आटा डालेंगे. कॉर्न का मिक्सचर बस थोड़ा सा बाइंड हो जाए और उसका इस तरह बॉल बन जाए तो समझो बैटर रेडी है. ज्यादा आटा हम यहाँ यूज नहीं करते, ना बेसन ना चावल का आटा, बस कॉर्न का थोड़ा सा कोटिंग हो जाए और इसे बस अभी फ्राई कर देंगे. तो मैंने यहाँ एक मकाई के सामने करीब 6 tablespoon जितना बेसन और 3 tablespoon जितना चावल का आटा डाला है. तो चलो अब जल्दी से इसे फ्राई कर देते हैं, वरना ज्यादा रेस्ट देंगे तो और पानी रिलीज हो जाएगा और फिर अननेसेसरी और आटा भी डालना पड़ेगा. तेल मेरा एक बाजू गरम हो गया है, बस अब पानी वाला हाथ करके आई विल स्टार्ट ड्रॉपिंग द भजियास जेंटली. कीप द फ्लेम हाई फॉर अ मिनट एंड 1 मिनट तक हम भजियास को टर्न नहीं करेंगे. अब गैस को मीडियम फ्लेम पे करके वी विल टर्न आर भजियास जेंटली. फ्राई द भजियास ऑन मीडियम फ्लेम टिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी. क्योंकि कॉर्न थोड़ा सा स्लाइस हो गया था इसलिए देखिए ये ऑयल में बिल्कुल फूटा नहीं है. सो फर्स्ट टिप वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कॉर्न के दाने रेडीमेड यूज कर रहे तो हल्का सा उसे चॉप कर ले. एक बाजू मैंने चाय भी चढ़ा दी है. तो चलो अब जल्दी से इसे प्लेट कर देती हूँ क्योंकि मुझसे अब ज़्यादा टाइम इसे टेस्ट किए बिना रहा नहीं जाएगा. अब इस पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी और देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल लोनावाला स्टाइल. थोड़ी सी ये सूखी लहसुन की चटनी भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी. आई नो आपके मुंह में भी अभी पानी आ गया है क्योंकि बारिश का मौसम है,
चाय के साथ पकोड़े दे दो तो बस, और क्या चाहिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है एंड वेरी क्विक एंड ईजी। सुपर डिलिशियस, सुपर ऑसम, एकदम लोनावला स्टाइल। बारिश का मौसम है, साथ में ये कॉर्न भजी है मेरे पास और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो आप भी ये मेन्यू जरूर ट्राई कीजिए, वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी क्रिस्पी, सेम वैसे ही जैसे लोनावला की वो लायंस पॉइंट पे मिलते हैं। सो प्लीज ट्राई इट आउट सून एंड लेट मी नो हाउ डिड इट टर्न आउट। Also, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, Neetzy Cooks. See you all on next Sunday at 2:30 p.m. Till then, have a great day, friends. Enjoy the Barish ka Mausam.